बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, चकवाल की तहसील चुआसा दिनशाह में डॉक्टालिया टाइम पे मलिक नसीर अहमद आपसे मुखातिब है। यहाँ की सेहत के बारे में और गिर्दोपेश बहुत सारे डैम मादनी इलाका अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है ज़िला चकवाल को। तो आज हम डॉक्टालिया डैम पे मौजूद हैं। इस डैम में आज तो बड़े अफसर या सुपरवाइज़र साहब वो मेरे ख्याल छुट्टी पे हैं, तो दो यहाँ साहिबान मौजूद हैं, हम उनसे डॉक्टालिया डैम के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान साहब माशाल्लाह। और आपका नाम सर? कमर नफीस साहब माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएंगे कि ये डैम जो है वो कब बना, किस साल से बना और यहाँ का अमला कितना है? ये डैम जो है ना, ये 1965 में बना था। 1965 अयूब खान, सदर अयूब खान के दौर में जी। उसके बाद 2001 में ये दोबारा नया डैम बना है, ये 97 में टूट गया था। अच्छा, अयूब खान के दौर में बना और फिर 97 में ये डैम टूट गया और 2001 में फिर ये नया बना। अभी ये इसके ये डोकालिया जंग शहीदा कलां वाली डोक दादू जाटला इन गांव को ये पानी जो जमीन को दरखेज कर रहा है। 5 से 10 देहातों को ये पानी डैम से मिल रहा है और मछलियां पकड़ने की इजाजत के लिए लोग जो है यहाँ लाइसेंस लेते हैं, इजाजत लेते हैं? नहीं लेते, ठेका। अच्छा, यहाँ के ठेकेदार से चूँकि ठेका हुआ है इसलिए हर खास आम आने वाला जो है वो मछलियाँ यहाँ नहीं पकड़ सकते। यहाँ का स्टाफ कितना है, कितने बंदे हैं? ये तकरीबन 6-7 बंदे हैं। 6-7 बंदे हैं। आप कितने अरसे तक इधर हैं, कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? ये कमर नफीस जो है ये 2001 से इधर चौकीदार है। और आप? मैं तो। अच्छा, बहुत मेहरबानी। अगर हमारे कैमरामैन साहब दिखाएं तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। कुछ विजिटर्स भी सामने आए हुए हैं और ये लोग दूर दराज से गाड़ियों पे सफ़र करके आते हैं और चकवाल की ब्यूटी को देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन।